नमस्कार दोस्तों, सेल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.58% के क्लियर आपको तेजी नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ देख सकते हो स्टॉक में एक डोजी कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक में एक तेजी का मूवमेंट बना हुआ है। अब सवाल आ रहा है, क्या स्टॉक में और भी तेजी आएगा, गिरावट आएगा तो अगर ऊपर बढ़ेगा, क्या टारगेट रहेगा नीचे जाएगा तो क्या सपोर्टेबल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो सेल शेयर स्टॉक अब एग्जैक्टली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और बार बार अपना ट्रेलाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी कंडीशन के हिसाब से आपके सामने नजर आ रहा है ये एक सपोर्ट लाइन है जो कि 126.33 रुपये में है और रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है जो कि 134.75 रुपये के पास में, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन आपको 138.75 रुपये में दिखाई दे रहा है जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट तो कर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक थोड़ा सा वीकनेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसके सामने जो नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देगा, जो टारगेट दिखाई देगा 156 रुपये का रहेगा, और उसके बाद रहेगा आपके सामने 167-168 का रहेगा, और उसके बाद आपको दिखाई देगा 125.30 रुपये के पास में, राइट। अभी जैसे आप देख रहे हैं 126.30 रुपये का इसका सपोर्ट लेवल है, जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देगा यहाँ पे 117.35 रुपये में। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। इस वीडियो को लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।